ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रशिया और नॉर्थ कोरिया की। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में दरअसल रक्षा समझौता हुआ है और जाहिर सी बात है इसका सीधा असर यूक्रेन पर पड़ेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और ऐसे में नॉर्थ कोरिया का रूस के सपोर्ट में आना एक बहुत बड़ी बात है। इस समझौते पर सहमति बन चुकी है। रूस की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर को पुतिन ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल जून में जब नॉर्थ कोरिया में दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान ये इस बात पर समझौता बना था। रूस की संसद ने भी इसे मंजूरी दे दी है, जिससे अब ये समझौता कानून बन गया है। अब इसके तहत दोनों देश एक दूसरे को सैन्य मदद मुहैया करवाएंगे। इसके बाद 11 नवंबर को नॉर्थ कोरिया ने भी समझौते की पुष्टि कर दी है। ये कोल्ड वॉर के बाद दोनों देशों के बीच होने वाला सबसे बड़ा समझौता है और जाहिर सी बात है इसकी चर्चा हर जगह है। इसके मुताबिक अगर दोनों देशों में से किसी देश पर हमला होता है तो एक दूसरे को सैन्य मदद दी जाएगी। इसके बाद से रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया के शामिल होने का आसार बढ़ जाएगा, यानी कि जाहिर सी बात है सैन्य मदद जब पहुंचाई जाएगी तो रूस की जिस भी देश से जंग होगी नॉर्थ कोरिया सेना रूस को देगा। और इस वक्त रूस की जो जंग है वो यूक्रेन से लगातार जारी है, ऐसे में यूक्रेन के लिए काफी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। और अगली खबर, अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत हासिल की है। कमला हैरिस के ऑपोजिट में डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने जीत हासिल की है। इसके बाद जो खबर सामने आई है वो ये कि एक शख्स की पत्नी ने सिर्फ इस वजह से उससे तलाक ले लिया क्योंकि उसके पति ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये हैरानी की बात है जहाँ पर पॉलिटिक्स के चलते, एक वोट के चलते एक महिला ने अपने पति को ही तलाक दे दिया है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद इस पत्नी ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसके पति ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। शख्स ने इस बात पर काफ़ी ज़्यादा उसे दुख हुआ है कि उसकी पत्नी ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति उसके समर्थन की वजह से तलाक की अर्जी दी है। इसके अलावा शख्स ने कहा कि वो अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए तैयार थी, यानी कि महिला तलाक देना चाहती थी, फिर चाहे उसे अकेला रहना पड़े वो भी उसे मंजूर था। सोशल मीडिया पर परेशान पति ने इस बात पर अपनी निराशा जाहिर की है। लोगों को ये बताया है कि उसकी पत्नी ने सिर्फ इस वजह से शादी तोड़ ली क्योंकि उसने अब जो US इलेक्शन हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। और अगली खबर, सुनीता विलियम्स की सेहत पर काफी सवाल उठ रहे हैं। वो काफी लंबे समय से स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं। इसी के चलते सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही हैं। तो देखिए, सवाल इतने ज्यादा उठे हैं कि इस पर अब लोगों को स्पेसिफिकेशन दिया गया है। इस बीच खुद सुनीता विलियम्स ने इस बारे में स्पेसिफिकेशन देते हुए कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले सामने आई तस्वीर में सुनीता के गाल धंसे हुए थे और शरीर दुबला दिख रहा था, जिससे काफ़ी ज़्यादा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अंतरिक्ष में रहने का उनकी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस पर नासा को बयान जारी करके उनकी हेल्थ की स्थिति को लोगों को बताना पड़ा, लोगों की चिंताओं को दूर करना पड़ा। नासा के प्रवक्ता जिमी रसेल ने बताया कि सभी अंतरिक्ष यात्रियों का नियमित चेकअप होता है और उनके स्वास्थ्य पर हमेशा निगरानी रखी जाती है और उनके साथ फ्लाइट सर्जन हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता विलियम्स के साथ और जो भी लोग मौजूद हैं वो एकदम स्वस्थ हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लंबे समय से मौजूद सुनीता विलियम्स की जो तस्वीरें सामने आई हैं जिस वजह से सवाल उठे थे, लेकिन अब ये कह दिया गया है, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि सुनीता विलियम की तबीयत और उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है। और अगली खबर कतर से सामने आई है, जहां पर कतर के शाही परिवारों के बीच में विवाद चल रहा है और विवाद लंदन के हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। और जो इस विवाद का जो कारण है वो है हीरा। एक हीरा जिसकी करोड़ों में कीमत है, 227 करोड़ का ये हीरा है, जिसके चलते पूरा विवाद चल रहा है। ये बेशकीमती हीरा 70 कैरेट का है और इसकी कीमत लगभग 227 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शाही परिवार के दो सदस्यों के बीच ये विवाद चल रहा है। अब इस विवाद का हल कोर्ट ही करेगा। पहले इस परिवार के बारे में सही से आपको बता देते हैं ताकि मामला समझ आए।
अल थानी शाही परिवार है जिसके बीच में विवाद है। इसमें भी दो हिस्से हैं। पहला तो शेख सऊद बिन मोहम्मद अल थानी का है। शेख सऊद बिन मोहम्मद अल थानी का निधन हो चुका है, उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। वहीं दूसरी तरफ शेख हमद अब्दुल्ला अल थानी है, दोनों ही कतर में शाही परिवार का हिस्सा है। और अब जो ये 70 कैरेट का हीरा है इसके चलते विवाद चल रहा है, और जो कि विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है, इसमें जो भी फैसला होगा उसका अपडेट आपको ज़रूर दिया जाएगा। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।